जी व्यूअर्स, वेलकम टू प्राइम टाइम कम्युनिटी राउंड अप शो ऑन टेक टीवी विद अनीस फारूकी। आप देख रहे हैं और हम जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे ग्रेटर टोरंटो एरिया या ओंटारियो की जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्टोरल हों, समाजी हों, सकाफती हों, उसको भी हम कवर करते हैं प्राइम टाइम में। और यही आज हमारा मकसद है बुनियादी तौर पर कि हम आपके साथ अपने उन उम्मीदवारों का तारुफ कराएँ जो कि यहाँ की मरकज़ी धारे की सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो बलदियाती सतह पर हो, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, क्योंकि अभी वफाकी और सूबाई इलेक्शंस का अभी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। लेकिन गहमा गहमी इस वक्त देखी जा रही है जीटीए में, ग्रेटर टोरंटो एरिया में काउंसिल के इलेक्शंस के लिए, मुख्तलिफ काउंसिल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी नजात कैनेडियंस भी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। और हम इस कम्युनिटी राउंड अप प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करेंगे कि आप तक उन नामों को, उन चेहरों को पहुंचाएं और उन शख्सियात से आपका तारुफ कराएं, उनके इरादों का बताएं, उनके प्लान मंसूबे आप तक पहुंचाएं और उनकी बुनियाद पर फिर आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी। हमारी ख्वाहिश तो ये होगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आएँ, आगे सामने आएँ और ना सिर्फ सामने आएँ, कांटे का मुकाबला करें और मुकाबला करके जीत के दिखाएँ। और यही वजह है कि ये आपकी और हमारी बाहमी काविशों के बगैर ये बात मुमकिन नहीं होगी। इसी सिलसिले में आज हमने मधु किया है, रीजनल काउंसिल के उम्मीदवार हैं वार्ड 9 और 10 से मोहम्मद शोएब मोहम्मद साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं प्राइम टाइम में। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सबको मेरी तरफ से सलाम। आप बहुत शुक्रिया अनीस भाई और टेक टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मधु किया। जी बहुत शुक्रिया, एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी कैनेडियंस, पाकिस्तानी नेशनल्स, मुस्लिम्स कैनेडियंस जो कि इस मरकजी मेन स्ट्रीम धारे में शरीक हो रहे हैं सियासत में, चाहे वो बलदियाती सतह पर खिदमत हो आवाम की, अपने इलाके की, अपने हलके की। और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ ये कि GTA बल्कि ओंटारियो बल्कि कैनेडा भर बल्कि पाकिस्तान तक ये पैगाम जाए कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं वो अपना नाम किस तरह से रोशन करते हैं, और ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। ज़रा सा अपने बारे में पहले बताइएगा, फिर हम आपके वार्ड के बारे में जानेंगे और आपके मंसूबों के बारे में। जी व्यूअर्स, तमाम लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद और टेक टीवी की तरफ से ख़ास तौर पे खुशामदीद कहता हूँ। और अनीस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और मैं वार्ड 9 और 10 ब्रैम्पटन एरिया से पहला मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो चुका हूँ। और दूसरी बात कि कभी भी पाकिस्तानी ज़रूर बोलूंगा अपने आप को, लेकिन मुसलमान पहले, तो पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी भी खड़ा हो रहा है और पहली दफ़ा ही कोई मुस्लिम भी खड़ा हो रहा है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि ब्रैम्पटन नॉर्थ जो है वो वार्ड 9 और 10, ये मैं उस जगह से रनिंग कर रहा हूँ रीजनल काउंसलर के लिए, नॉट फॉर द काउंसलर, रीजनल काउंसलर के लिए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क समझा दें, एक तो जो हमारे लोग नहीं समझते, खासतौर पर यहाँ भी अभी कुछ बहुत सारे नए पाकिस्तानी माइग्रेट होकर आए हैं और वो यहाँ की सियासत को भी समझना चाह रहे हैं कि काउंसिल क्या होती है, फिर उसके रीजनल काउंसिल के क्या लेवल होते हैं और उसमें कितनी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है कि वहाँ पे हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। हाँ अनीस भाई, एक्चुअली क्या है कि पहला जो बंदे ने वोट डालना है, एक कोई भी कैनेडियन सिटीजनशिप लिया हुआ है जिसके पास पासपोर्ट है, वो एक बंदा बल्दियाती इंतखाबात में, लोकल इलेक्शन में पहले वो मेयर को डालेगा, सेकेंड वोट डालेगा रीजनल काउंसिलर को, थर्ड डालेगा सिटी काउंसिलर को एंड फोर्थ वोट डालेगा स्कूल ट्रस्टी को। ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा प्लीज कि सिटी काउंसिलर इज अ डिफरेंट एंड रीजनल काउंसिलर इज अ डिफरेंट बट ही इज ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रीजनल काउंसिलर। सो देयर आर ए नंबर ऑफ कंटेस्टेंट और कैंडिडेट्स फॉर द काउंसिलर, सिटी काउंसिलर, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ रीजनल काउंसिलर कंटेस्टेंट। यस, ऐसा ना हो कि उसमें मिक्स करके आप सिटी काउंसलर को पसंद करके उम्मीदवार दे दें और शोएब मोहम्मद साहब को वोट ना दें, तो जरा से ये ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा है, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो भी हमारा एक व्यूअर्स बोले या एक वोटर्स बोले, उसने 4 वोट देने, नॉट फॉर 1 वोट। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेयर को, रीजनल काउंसलर को सेकेंड, थर्ड जो है वो सिटी काउंसलर एंड फोर्थ इज स्कूल ट्रस्टी। अच्छा, ये जो वार्ड 9 और 10 है, इसका 9 और 10 कहा जाता है, इसकी क्या जुग्राफियाई बाउंड्रीज क्या हैं, थोड़ा सा वो भी समझा दें हमारे जो लोग रह रहे हैं ताकि उन्हें मालूम हो कि क्या मैं मोहम्मद शोएब को, शोएब मोहम्मद साहब को वोट देने का काबिल भी हूँ या उस एलिजिबल भी हूँ कि नहीं। बिल्कुल, और सबसे पहले कि वर्किंग फॉर ऑल, www.workingforall.ca,
इस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैप मिल जाएगा। दूसरा हम लोगों का फेसबुक पेज है, उस पे चले जाएं, इंस्टाग्राम है उस पे चले जाएं, और खास तौर पे मेरा टेलीफोन नंबर हमेशा ओपन है, 6479273247। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, राइट अवे आपको मैं आंसर दूंगा। ठीक है, 410 से लेके जो मैफील्ड है वो हमारी बाउंड्री है, उसके बाद मैफील्ड के बाद आपको पता है कैलेडोन स्टार्ट हो जाता है, तो जी मैफील्ड से आप इस तरफ आ जाते हैं जी और 410 से बाउंड्री लेते हैं, तो फिर हमारे पास एक बुवेड आ जाता है। बुवेड हमारा और मैफील्ड के दरमियान 410, ये हमारे एक बाउंड्री होगी। ठीक है, ठीक है, या फिर नॉर्थ और साउथ बाउंड्री होगी बेसिकली। जी, बिल्कुल बाउंड्री हो गई यार। अब मैं यहाँ से जब मैं स्टार्ट करता हूँ और राइट अवे मैं इधर सैंडलवुड एंड बेफील्ड को स्ट्रेट लेके चलता हूँ, तो हाईवे 50 तक हमारे पास रीजनल काउंसिलर है। अच्छा, हाईवे 50 तक जी, तो 50 का जो बॉर्डर है वो बुवेड से जब आप आगे चल रहे हैं तो उसपे कैसल मोड़ स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है जी, तो वो कैसल मोड़ भी मेरे पास आ जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बारिक मस्जिद से बिल्कुल बाउंड्री जो है हमारी बारिक मस्जिद पर है, और फिर वो जाके हाईवे 50 तक वो आती है। तो ये पूरा बोर्ड जो है वो टोटल नीज भाई, उसके अंदर जो हमारे पास वोटर्स लिस्ट आई है 910 की, वो है 75,000। अच्छा, 75,000, ये तो अच्छा खासा एक सूबाई असेंबली का हल्का बन गया कराची तकरीबन। जी, आप समझ ले कराची, कराची के अंदर एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे ही होगा कि इसी मोहब्बत से, इसी इन्हीं दुआओं के साथ, माओ बहनों की और हमारे भाइयों की, जी आपको जिताने की भरपूर कोशिश होगी। हम तो चाहेंगे कि हमारे लोग ज़्यादा आएँ। तो वहाँ पे जो अभी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो कि लास्ट जीते हुए हैं इनकम्बेंट, वो कौन हैं और उनकी क्या सूरत हाल है? हाँ, टोटल जो है हमारे पास नहीं, जो इंक्लूडिंग अभी भी मौजूदा लास्ट जो अभी जो स्टैंडिंग है। है, अच्छा हाँ, वो है गुरप्रीत डिलोन साहब हैं, गुरप्रीत जो डिलोन। 8 साल से रीजनल काउंसलर के लिए हैं, और सब उनको जानते हैं, और ठीक वो है, बहुत अच्छे बंदे भी हैं, लेकिन बट उनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, उनके बिहाइंड भी पिक्चर्स चल रही हैं, जो सब लोगों को पता है कि 2 साल पहले क्या हुआ। अच्छा, हम बिहाइंड द पिक्चर जाने के बजाय हम फ्रंट ऑफ द पिक्चर ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, ताकि अपने काम पे हम फोकस कर सकें। तो गुरप्रीत ढिलों साहब, अभी आप कह रहे हैं कि वो मौजूदा इस वक्त रीजनल काउंसलर हैं, और उनको आप मुकाबला देने जा रहे हैं टफ टाइम जो कि यहाँ पर। जी जी, इंशाल्लाह ताला तो और उसके अलावा 100%। कितने कैंडिडेट्स हैं जो साथ साथ रीजनल काउंसलर के लिए लड़ रहे हैं? कितनी तादाद है? उनकी छः टोटल सात होगी? टोटल जो है इंक्लूडिंग मी 7 हैं, सेवन सेवन पीपल हैं, जिसमें से एक लेडीज भी है, या लेडीज एक है या दो है, लेकिन मुझे दूसरे बंदों का मुझे काम करते हुए या फ्लायर्स नहीं मिला है, नहीं मिला, ठीक लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि गुरप्रीत डिलोन है और बाकी जो हैं और भी लोग काम कर रहे हैं और बाकायदा अपनी कैंपेन चला रहे हैं। चला रहे। अच्छा, ये ख्याल क्यों आया शुएब आपको कि आप रीजनल काउंसिल के लिए लड़ें? आई नो कि यू आर वेरी एक्टिव सोशली, सामाजिक तौर पे आप कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं, लोग आपको जानते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप बहुत एक्टिव रहे हैं, सकाफती प्रोग्राम में भी हमने आपको बहुत देखा, सियासी तौर पे भी आप मुतहरिक रहे हैं। तो अपने हलके के इन लोगों को खिदमत करने के लिए यकीनी तौर पे आप इससे पहले कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड रहे होंगे, ताकि आपने ये प्लान बनाया होगा। जी 100%, बिकॉज आई एम करंटली राइट नाउ स्पोर्ट्स हॉल कमेटी का मेंबर हूँ मैं। स्पोर्ट्स हॉल कमेटी फुल ब्रैम्पटन, नॉट फॉर द नॉर्थ, मैं पूरे ब्रैम्पटन सिटी का स्पोर्ट्स हॉल कमेटी का मेंबर हूँ, और उसमें भी वाहिद पाकिस्तानी अकेला मैं वहाँ पर हूँ। ठीक है, और दूसरा एक और बात बताता चलूँ कि जो आपने एक बात बोली कि आप एक्टिव रहें, बिल्कुल स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं और जो बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा पिछले, अभी से नहीं, मैंने 2010 के अंदर सदबरी के अंदर -42 के ऊपर लेक पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, मैंने स्पेशल बच्चों को, जो सदबरी के अंदर स्पेशल बच्चों को मैंने वहाँ पे क्रिकेट भी सिखाई है, हम लोगों ने एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे करी थी। उसके बाद मैं जब इधर ब्रैंटम में मूव हुआ हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अपने कम्युनिटी के लिए करी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो ऐसे कोई ग्राउंड बन रहा है, कोई पार्क बन रहा है, तो वहाँ पे मैंने सो करके गोल रखवाए हैं, कहीं पर स्टॉप साइन का प्रॉब्लम है तो वो मैंने करा है। मेरा कोई इरादा नहीं था उस वक्त इलेक्शन लड़ने का, ठीक है, कुछ भी नहीं था। मैं 4 साल नहीं, 8 साल से कम्युनिटी की हेल्प करने में लगा हुआ हूँ, जो कुछ हो सकता है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और असल में ये मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे उम्मीदवारान हैं वो ऑलरेडी कम्युनिटी में ना सिर्फ एक्टिव रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी एक आवाज़ भी है, अपनी से भी है, और अब वो जब इस मैदान में आए हैं तो हम चाहेंगे कि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी दें और इसमें शामिल भी हों। वार्ड 9 एंड 10 के जो इन्होंने बताया है, इसमें ज़्यादातर यही है कि
मैं जो समझा हूँ वो कैलेडन की जहाँ पे सरहद ख़त्म होती है मेफिल से लेकर और ये आती है आपकी बुवेट तक 410 से लेकर और फिर हाईवे 50 50 का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहाँ पे 427 लग जाती है, ऐसे ही है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे एक ही बहुत ह्यूज ह्यूज इलाका है, ह्यूज ठीक इलाका है। है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किन किन इससे। कामों की शदीद ज़रूरत जो आप समझते हैं कि अगर आप जीत कर आएंगे तो आपकी आवाज़ वहाँ जब काउंसिल में जाएगी, क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाई हैं अब तक जो कि अब आप उसका बेड़ा उठाएंगे? अनीस भाई देखिए एक्चुअली मैं बहुत सारी बातों को बिल्कुल नहीं बात करूंगा किसी पे भी, इसलिए कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं काम नहीं करते और बोलते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम हॉस्पिटल्स भी बना देंगे, हम इंश्योरेंस भी कम करा देंगे। दिस इज नॉट माई पार्ट, ठीक राइट? है। इंश्योरेंस इज गोइंग टू ओंटारियो, राइट? ओंटारियो का गवर्नमेंट है, उसके पास डक बोर्ड है, हम नहीं कर सकते उसमें काम, हम फेडरल मतलब ऑटवा के कोई काम नहीं करा सकते। हाँ बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा, जब मैं डोर नॉकिंग कर रहा हूँ, मैं तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 1500 मैंने डोर नॉकिंग करें या 15,000 डोर नॉकिंग करें विद इन 2 मंथ्स के अंदर, तो मुझे वहां पर सबसे ज्यादा जो आवाज आई है वो आई है लोगों की प्रॉब्लम्स। ठीक है। आप यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते कि लोग कितने परेशान हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरे प्रिम्पटम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 9 और 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। स्पीडिंग सबसे ज्यादा स्पीडिंग की प्रॉब्लम है, स्पीडिंग बहुत ज्यादा स्पीडिंग है। आप देखें स्पीडिंग हो क्यों रही है, इस बात को समझने की कोशिश करें, मुझे थोड़ी देर दीजिएगा, मैं आपको इसको पूरे सुनारियों को समझाने की कोशिश करूंगा। स्पीडिंग हो रही है, अब स्पीड चल रही है 40 की, आप गाड़ी चला रहे हो 80 और 100 पर, तो उसका जो 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 भी गाड़ी चला रहा है वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो छोटा है। ठीक अब वो है। छोटा गाड़ी क्यों चला रहा है इतनी तेज, इसको सोचने वाली बात है। आपने कैमरे लगाए उस पर, लोगों ने कलर कर दिया, उनका भी कसूर नहीं है, जिसने भी गवर्नमेंट ने जितना करा है हर किसी ने कलर कर दिया, ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों ने बोला है। ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्यों आ रहा है सर? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लास्ट 4 ईयर्स में एक लाइब्रेरी बनाइए, 52 मरवाना शॉप इन लोगों ने ओपन करी है, ठीक है 52 मरवाना शॉप। ठीक है। हर माँ बाप की यही प्रॉब्लम है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारा बच्चा जब वो स्कूल से आ रहा है या 16 साल का बच्चा है वो साइकिल पे जाता है और वो जाके एक तरीके से आता है और फिर वो जाके मरवाना लेकर आता है, उसको मना नहीं कर पा रहा। ठीक आई एम है नॉट अबाउट मी, मुझे लोग बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये स्पीडिंग की प्रॉब्लम है, उसमें लास्ट 2 ईयर्स अगो टोरपुरम और कंट्री साइड पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत के 3 बच्चे मरे थे। जब उसकी रिपोर्टिंग निकाली कि वो बंदा क्या था, वो भी मरवा दिया होता। मुझे फ्रीज करना है, मुझे वो चीज फ्रीज करनी है, वो बहुत जरूरी है कि वो फ्रीज होना चाहिए, ठीक है। राइट? उसके अलावा मोटे मोटे मतलब मैं चाहूंगा कि आप मोटे मोटे हमें 2-3 ऐसी चीजें बताएं कि जो जो सुनने वाले हैं मुख्तसर से टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुन भी लें, जान भी लें, और आपका जो एक मंशूर जिसे हम कहना चाहिए एक गाइडलाइन एक मंशूर है उस पर हमें पता चल जाए कि आप आकर क्या करेंगे। इस ये असल में होता ही है कि जब हम अपने उम्मीदवारों को लेकर आते हैं तो वो किसी न किसी जामे मंसूबे के तहत ही अपना इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और आप भी उसमें अपना एक जिसे हम कहते हैं ना इलेक्शन इलेक्टोरल एक इलेक्शन का एजेंडा वो क्या है, मोटा मोटा बताइएगा ताकि हम उसको समझ सकें। देखिए सबसे जरूरी एक मरवाना शॉप्स को ठीक फ्रीज है करना है, सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट। दूसरा नशे की लत ने वहां पे बड़े मसाइल समाजी खड़े किए, मैं आप ये कह रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रही है, उसी ठीक की है वजह से स्पीडिंग हो रही है, उसी की वजह से बहुत ज्यादा माँ बाप को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। सर दूसरी बात कि जो आप ड्राइवे देखते हैं सर, ड्राइवे पे आप देखते होंगे विंटर टाइम में आपको भी प्रॉब्लम आती होगी कि स्नो ड्राइवर जो आता है वो रोड साफ करता है, हमारी स्ट्रीट साफ करता है, और लेकिन वो हमारे ड्राइवे ब्लॉक कर देता है। मेरा सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो ड्राइवे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप उसको विंडो रो करें, ट्रक आए अपना ब्लेड निकाले, उसको वो रो करके उस विंडो उसको ड्राइवे को ओपन कर दे, उसको ठीक है कहते हैं। उसकी क्या वजह है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा, कि जो मैंने होमवर्क किया है, फिजिबिलिटी बनाई है, समर टाइम में बहुत कम हार्ट अटैक होता है, 90 to 20% इन दिस हॉस्पिटल फॉर द ब्रैम्पटन सिटी, राइट? सिविक हॉस्पिटल 9-10 की बात कर रहा हूँ। जब उस हॉस्पिटल के अंदर जब रेशो निकलता है वो निकलता है 20 to 21% ठीक है एटलीस्ट समर में, लेकिन विंटर टाइम में 69 to 72% हार्ट अटैक आता है। इसलिए कि जब आप शवलिंग करते हैं तो आपका बिल्कुल लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हमारा दिल वहीं पर ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल 40 ईयर्स के बाद भले वो वुमेन्स हो या मेन्स हो, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि आप जब हॉस्पिटल्स में इतना पैसा खर्च करते हैं
तो उसके ऊपर खर्च करने की जगह पर इस चीज को कम करें जो कि हॉस्पिटल से हमारा एक बोझ भी। लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो एक उमूमी मसला है। मैं समझता हूँ हमारे ईस्ट के जोन ले लें, एजेक्स ले लें, आप स्कारबरो ले लें, ब्रैम्पटन ले लें, जो सिटी के जो शवलिंग सर्विसेज है वो तो ड्राइववे ब्लॉक करके जाती है, फिर ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और उसके बाद वो उसको क्लियर करे। मैं क्योंकि जब आप रीजनल काउंसिल जाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की होती है जिसको आप केटर कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाना पड़ता है कि आप वहाँ पे स्कूलों में क्या असलाहत ला सकते हैं, रिफॉर्म्स की बात होती है, आप कितना फंड्स जो है वो एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज की तरफ, जिसमें ज़ाहिर है कि स्नो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे विंटर में। तो ये जो मेजर मेजर जो फाइनेंशियल एक जो है ना, ज़्यादा इलेक्शन जो है फाइनेंशियली टारगेटेड होते हैं कैंपेन, उस पर अगर आप उस पर बात करेंगे तो हो सकता है हमारे नाज़रीन को भी समझ में आए कि आपने अपना होमवर्क जहाँ छोटे डिटेल ग्रैनुलर लेवल पे किया है उस पर हाई लेवल पे भी कुछ ना कुछ आपकी नज़र है। राइट, बिकॉज मैं स्कूल भी गया हूँ, ग्रेट लेक पब्लिक स्कूल के अंदर मुझे बुलाया था, मैंने बच्चों से बात करी है, बच्चों से मैं बुलाऊँ, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है 9 और 10 के अंदर स्विमिंग पूल। हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए कि स्विमिंग पूल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बच्चों को होना, बड़ों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले टारगेट मेरा यह होगा कि स्विमिंग पूल बनाया जाए, बच्चों के लिए एक्टिविटीज दी जाए जो कि बच्चे हेल्थी रहेंगे। जितना आप ज्यादा ज्यादा एक्टिव रखोगे, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जा दोगे बच्चों को, वो फिर उनके सीधे कामों में नहीं पड़ेंगे। इसलिए कि मेरा खुद स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, आई लव स्पोर्ट्स फैन, राइट? सो मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जा दी जाए, स्पेशली फॉर द किड्स, ठीक है, राइट? सेकेंड थिंग, क्या हमारे पास सेफ्टी की एक बजट होना चाहिए? और दूसरा, मेरी एक प्रपोजल मैं तैयार कर रहा हूँ कि जब हम 911 कॉल करते हैं, हर बंदा परेशान है। आप खुद सोचें, ग्रे वार्ड नंबर 10 में जब मैं नोक करता हूँ डोर पे, वो मुझे बोलता है दोपहर 4 बजे, शाम के 4 या 5 बजे, कैन यू बिलीव इट, कि वो गन रख रहा है और उसकी गाड़ी छीन के लेके जा रहे हैं। ये वार्ड 10 में हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मुझे लोग बता रहे हैं, ठीक है? और एक नहीं, 5-6 लोगों को मैं नॉक कर चुका हूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। ये नहीं है, इसके ऊपर आपको तवज्जा देना चाहिए। आई थिंक, मेरा ज्यादा ख्याल है कि वार्ड 9 और 10 के अंदर एक लोकल पुलिस स्टेशन जरूर होना चाहिए जो डिफरेंट टाइप का हो। भले वो ग्रेड 12 करने के बाद लड़की लड़का निकलता है, ग्रेड 14 के बाद निकलता है, उनको गन नहीं दी जाए लेकिन उसको एक पुलिस का रुतबा दिया जाए जो कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो उधर ही रहने वाला हो, कैनेडा से काम करने नहीं आए, मिसिसागा से काम करने नहीं आए, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर नौकरी दी जाए जो उसकी उसकी सिस्टर भी वहाँ निकलेगी, उसकी बहन भी वहाँ पर होगी, उसके माँ बाप भी वहाँ पर होगा, उसकी एक इज्जत होगी। और ये बताएं, आपका ये जो पैगाम है, ये आप कितने लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं अब तक, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जो आप डोर नॉकिंग कर रहे हैं? कि एक काउंसलर ऑलरेडी गुरप्रीत ढिल्लों वहाँ पे एक मुस्तकिल जीतते चले आ रहे हैं, आप एक नया चेहरा आए हैं, वो आपको वोट दें, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस इज ऑसम, रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह, और जबरदस्त रिस्पांस चल रहा है। और यहाँ तक एक और बात बताऊं, मैंने इधर सर्टिफिकेट्स दिए हैं लोगों को, जिसपे सिर्फ मैंने मोहम्मद शुएब लिखा है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मैंने दिए इस वार्ड 9 और 10 में, जिसका ब्यूटीफुल गार्डन है। आप यकीन करें, जब मैंने उस सर्टिफिकेट्स को दिया है, पीपुल आर क्राइंग, वो बोल रहे हैं हम 23 years, 25 years से यहाँ पे रह रहे हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें अप्रिसिएशन नहीं करा। गुड जॉब। आस्क मी, दे आर आस्किंग मी, आप क्या सिटी से आए हो? मिला नहीं, मैं तो एक बंदा हूँ, लोकल सा। मैंने वहाँ पे ये नहीं लिखा मैं वार्ड 9 से खड़ा हो रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहाँ पे मोहम्मद शुएब लिखा। आप यकीन करें इतनी अप्रिसिएशन मिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 महीने बाद खुल रहे थे, आफ्टर 2 months के बाद, बिफोर स्कूल 3 दिन पहले 42 स्कूल से मेरे पास वार्ड 9 और 10 में, उस सराउंडिंग स्कूल के वहां पर पंजाबी में और इंग्लिश के अंदर मैंने वहां लिखवाया स्लो डाउन। लिखवाया प्लीज स्लो डाउन, इसलिए कि स्कूल खुलने वाले हैं, ठीक है? मुझे लोगों ने अप्रिसिएशन करा, और यहां तक कि अभी वो मांग रहे हैं, मैं 2000 साइन लगा चुका हूं और लोग मेरे से मांग रहे हैं, आप दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह तो उनको दे दिया जाएंगे। मैं किसी कम्युनिटी के साथ एक नहीं चल रहा, इसीलिए मैंने वर्किंग फॉर ऑल लिखा है, हर कम्युनिटी के पास जा रहा हूँ, भले वो सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, फिलिपिनो हो, इटालियन हो, हर कम्युनिटी के पास जा रहा हूँ और हर किसी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए। आप मुझे, आपको ये पता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं वाहिद बनता हूँ जो पहली दफा इस रीजन से खड़ा हो रहा हूँ, और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं सोचना मुझे, देखिए क्यों नहीं खड़े हुए, कि वो जीत रहा था, बिल्कुल जीत रहा था, देखिए किसी को खड़ा तो होना था, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। अब हम खड़े हुए,
हमने इलेक्शन पे जा रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर नोकिंग कर रहा हूँ, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरे 5 साल की जो बच्ची है जुड़वा, वो भी डोर नोकिंग कर रही है। ठीक है, तो हम पूरी फैमिली लगी हुई है, पूरे वॉलंटियर्स मेरे साथ लगे हुए हैं और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जितना उनके पास टाइम है वो मुझे दे रहे हैं। वेरी गुड, हम तो ये चाहेंगे, देखें ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप हिस्सा लें, हार जीत जो है वो उससे हम सीखते हैं, और ये एक कंटिन्यूस ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हम मरकजी धारे में धीरे धीरे करके शामिल होते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को बताते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं, कुछ लोगों की जाहिर है एक तवील अरसे से वहाँ पे अपनी एक, मैं उसको एक उर्दू का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि इजारादारी भी है, तो वो आज जो हम इस प्रोग्राम को उर्दू हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ जो कम्युनिटी जाहिर है बहुत बड़ी तादाद है जो अंग्रेज़ी शायद ना समझती हो, वहाँ तक तो आप पहुँच ही रहे हैं डोर टू डोर, लेकिन हमारे इस चैनल के ज़रिए क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा देखती है तो वो उन तक ये पैगाम पहुँचे, उन तक ये चेहरा पहुँचे और उन तक ये आवाज़ पहुँचे, उन तक ये ख्यालात पहुँचें जो कि शुएब मोहम्मद रीजनल काउंसलर वार्ड 9 और 10 के कैंडिडेट हैं, उनकी आने वाले मनसूबाबंदी प्लानिंग और ये सब उन तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप अपने वोटर से आखिरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आखिरी से मुराद ये इस प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। जी जी बिल्कुल, एक फर्स्ट ऑफ ऑल के 1 अक्टूबर को 6 जेना कोर्ट अपोजिट फॉर द अंसार मॉस्क के सामने है, जो हम फर्स्ट को एक फंड रेजिंग डिनर कर रहे हैं और मैं तमाम 9 और 10 के जितने भी लोग हैं हमारे जिस कम्युनिटी से हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आफ्टरनून मतलब 3 o'clock से लेके हम 7 o'clock तक वहां पर मौजूद होंगे और बच्चों के लिए हमने बाउंसी कैसल, फेस पेंटिंग और डिनर का इंतजाम किया है और डीजे का इंतजाम है और वहां पर लोग भी आएंगे, सब आएंगे, सब कम्युनिटी के लोग आएंगे। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर आए 1 अक्टूबर, इस दिन पड़ेगा सैटरडे का, आप प्लीज 3 o'clock पे पहुंचे, वहां पे हमने और भी लोगों को दावत दी है तो बिल्कुल शामिल हो। और अनीस भाई एक और बात कि और भी बहुत सारे प्लान्स मौजूद हैं लेकिन मैं सिर्फ 3 ही बात पे बात कर रहा हूँ, मरवाना स्टॉप करना है, फ्रीज करना है, अपना स्नो रिमूवल का काम जो हमने विंडो रो का काम करना है वो हमने करना है और किड्स के लिए सेफ्टी, किड्स की एक्टिविटीज और सबसे ज्यादा पुलिस के ऊपर या उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना है। इससे ज्यादा बात करने की मैं चाहता ये हूँ कि मैं इतनी बात करूँ जो मैं करवा सकूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ज्यादा बात करने का मैं और ज्यादा मैं ना मैं मुझे झूठ बोलने की आदत है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, जो वादा कर रहा हूँ लोगों से वो मैं पूरा करूँगा। नाज़रीन, शुएब मोहम्मद ने अपने दिल की बातें खोलकर आज आपके सामने रख दी हैं और मैं समझता हूँ कि इतनी सादगी से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से एक इंसान ने जो बातें आपसे की हैं वो यकीनी तौर पे उसकी नीयत का इजहार करती हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ किस हद तक ना सिर्फ मुखलिस है बल्कि वो चाहता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी के तौर पर किया जा सके। हम प्राइम टाइम के ज़रिए अपने तमाम उम्मीदवारों की कोशिश करेंगे आपको तारुफ कराएँ, ये एक सीरीज़ हमने शुरू की है और इस सीरीज़ को आप तक पहुंचाएंगे। आपका अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप इनको कितना सराहते हैं, कितनी इनकी सपोर्ट करते हैं। उस दिन घर में नहीं बैठना है, उस दिन बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, आपने तलाश करना है कि रीजनल काउंसलर वार्ड 9 और 10 के कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों में शुएब मोहम्मद कहाँ हैं और उनको आपने जाके इलेक्ट करवाना है ताकि वो आपकी आवाज़ बने, एक तब्दीली आए और वो तब्दीली जो है वो मुस्बत हो और उसमें हम आगे चल के अपने लोगों की कोई ना कोई खिदमत कर सकें। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी हमारा प्रोग्राम आज यहीं तक का था और हम कोशिश करेंगे अपने एक नए उम्मीदवार से आपको मुतारिफ कराएं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, हैव अ ग्रेट इवनिंग।